वेलकम दी बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में CSS के पोजीशन प्रॉपर्टीज एंड उसके डिफरेंट वैल्यूज को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। CSS की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ प्रॉपर्टीज को, और आज हम लोग एक और CSS के पोजीशन प्रॉपर्टी एंड उसके वैल्यूज को डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज करता है एलिमेंट के डिफरेंट पोजीशन को। इसका यूज हम लोग एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए, उसका पोजीशन डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। एंड पोजीशन प्रॉपर्टी के 5 वैल्यूज हैं, फर्स्ट स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनेगा, बिकॉज CSS के पोजीशन प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इन सारी वैल्यूज का यूज हम लोग तभी कर सकते हैं जब आप एलिमेंट्स को टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट में जब तक वैल्यू ना दे, बाय डिफॉल्ट कोई चेंजेस नहीं होते इसमें। मींस ये सारी लगाई गई पोजीशन की वैल्यू काम नहीं करेगी जब तक इसमें आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट की वैल्यू को पुट ना करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी ज्ञान की बातें। अब आते हैं समझने वाली बात पे। तो पहला टाइप है स्टेटिक टाइप। जब हम HTML एलिमेंट्स को यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो मिलती है उसे ही हम स्टेटिक पोजीशन कहते हैं। मीन्स स्टैटिक डिफॉल्ट पोजीशन होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। हम लोग स्टैटिक पोजीशन को एग्जांपल में पुट करके देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है, क्या चेंज होता है, क्या नहीं। सो हम लोग स्टैटिक पोजीशन को यूज करने के लिए एक डीप टैग क्रिएट करेंगे जिसका क्लास देंगे स्टैटिक, एंड इसमें कुछ कंटेंट लिख देते हैं। एंड अब हम इसमें CSS का स्टैटिक पोजीशन को अप्लाई करेंगे। सो स्टाइल टैग लेंगे और उसके अंदर तो पोजीशन क्या रखेंगे, स्टैटिक। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, इन चारों में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी को यूज करनी पड़ती है। सो इसमें मैंने टॉप एंड लेफ्ट लिया है, बट ये स्टैटिक पोजीशन है जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, चाहे आप टॉप, लेफ्ट, राइट कुछ भी लो। तो आप आउटपुट देख सकते हो, मैं इसमें बॉर्डर दे देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। आप देख सकते हो ये अपना पोजीशन ले चुका है, ये बाय डिफॉल्ट आती है, इसे आप मूव नहीं कर सकते, हिला डुला नहीं कर सकते हो आप। तो यही है हमारा स्टैटिक पोजीशन जो डिफॉल्ट होता है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, CSS के रिश्तेदार को, मीन्स नेक्स्ट टाइप ऑफ पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव पोजीशन का यूज हम लोग डिफॉल्ट पोजीशन में चेंजेस या गैप चाहिए तो हम रिलेटिव पोजीशन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग ने एग्जांपल लिया स्टैटिक में, मीन्स वो डिफॉल्ट पोजीशन है, सो उसमें अब रिलेटिव का यूज करेंगे और देखते हैं क्या चेंजेस आ रही है। सो मैं स्टैटिक क्लास को रिलेटिव में बदल देता हूँ एंड मैं स्टाइल में स्टैटिक को रिलेटिव में चेंज कर देता हूँ। एंड पोजीशन अब देखेंगे हम लोग सेकेंड टाइप, रिलेटिव पोजीशन। एंड आप देखिए इसका पोजीशन चेंज हो गया। सो रिलेटिव पोजीशन का यूज हम लोग डिफॉल्ट पोजीशन में गैप एंड पोजीशन को चेंज करने के लिए यूज करते हैं रिलेटिव का। सो हम लोग ने स्टैटिक एंड रिलेटिव को समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग एब्सोल्यूट को समझेंगे। एब्सोल्यूट पोजीशन क्या है? तो एब्सोल्यूट पोजीशन का यूज हम लोग रिलेटिव के अकॉर्डिंग एक बॉक्स के अंदर न्यू बॉक्स को हिलाने डुलाने के लिए करते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, देन लास्ट में आपको उसी वीडियो के ऊपर सजेशन वीडियो आती है, वो बॉक्स राइट टॉप, लेफ्ट टॉप या फिर बॉटम टॉप, बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट में शो करती है। जो आप वीडियोज देख रहे थे वो एक बॉक्स है, और उसी बॉक्स के अंदर कोई दूसरा बॉक्स को फिक्स्ड या हिला डुला करने का काम एब्सोल्यूट पोजीशन करता है। एब्सोल्यूट पोजीशन सारे पोजीशन की तरह वर्क करता है सिवाय स्टैटिक को छोड़ के। सो इसे भी हम लोग प्रैक्टिकली यूज करके देख लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिव जो रिलेटिव है उसे रहने ही देंगे एंड न्यू डिव क्रिएट करेंगे जिसका डिव आईडी देंगे एब्सोल्यूट। एंड मैं इसमें कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, दिस इज एब्सोल्यूट पोजीशन। एंड मैं इसका भी पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट पोजीशन, एंड इसका टॉप दे देता हूँ एंड लेफ्ट दे देता हूँ 300px।
एंड आप देख सकते हो ये अपना पोजीशन ले चुका है। इस बॉक्स को आप इस रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग कहीं भी मूव कर सकते हो, इसको हिला डुला कर सकते हो। जैसे कि मैं इसका हाइट एंड विड्थ डिफाइन करता हूँ। सो आप देख सकते हो इसका हाइट एंड विड्थ इंक्रीज हो चुका है और आप इस बॉक्स को, एब्सोल्यूट पोजीशन को, इस रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग इधर उधर कहीं भी हिला डुला कर सकते हो। इसी को हम लोग एब्सोल्यूट पोजीशन कहते हैं। सो हम लोगों ने अब तक तीन पोजीशन का डिस्कस कर लिया है। होप आपको रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पोजीशन समझ में आ गया होगा। सो अब हम लोग स्टिकी पोजीशन को डिस्कस करेंगे कि स्टिकी पोजीशन कैसे वर्क करता है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। सो स्टिकी पोजीशन का यूज़ हम लोग अपने पेज में स्क्रॉलिंग के वक्त फिक्स्ड करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप नेम बार देख सकते हो, किसी किसी वेब पेज का नेम बार होता है कि आप अगर स्क्रॉल करते हो तो भी ऊपर में वो नेम बार दिखता है, बट बहुत सारे वेब पेज ऐसे होते हैं जिसमें नेम बार भी स्क्रॉल हो जाता है साथ में। सो स्टिकी पोजीशन का यूज़ हम लोग स्क्रॉलिंग के बाद भी उसका पोजीशन फिक्स्ड रहने के लिए करते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं। सो अभी मैं इन सबको पहले रिमूव कर देता हूँ एंड मैं एक डिव क्रिएट करूँगा जिसका क्लास लूँगा स्टिकी। क्लास आप कुछ भी ले सकते हो। सो मैं इसमें लिख देता हूँ दिस इज स्टिकी पोजीशन एंड मैं कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ ताकि पेज स्क्रॉल हो सके। सो मैं पी टैग में यूज़ करूँगा लॉरेम 1000 का। आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हो, आपको कंटेंट उतना नहीं लिखना हो, सो आप लॉरेम का यूज़ कर सकते हो। लॉरेम लिखने के बाद आप जितना वर्ड चाहते हो, जैसे 52, 100, 1000, तो आप उसका नंबर लिखते हैं और एंटर प्रेस करें तो आपको लॉरेम उतना वर्ड्स दे देगी। जैसे कि मैंने अभी लिया, लॉरेम लिखकर 1000 लिखा एंड ये 1000 वर्ड्स हो चुका है। इसमें अब हम लोग स्टिकी पोजिशन का यूज़ करने वाले हैं। सो उसके लिए पहले हम अपने क्लास को लेंगे डॉट स्टिकी एंड उसका पोजीशन दे दूंगा मैं स्टिकी एंड इसमें मैं बॉर्डर दे दूंगा 2px सॉलिड ग्रीन एंड बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं ताकि और भी अच्छा लगे, तो ब्लैक ले लेता हूँ मैं एंड टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ वाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया था टॉप राइट लेफ्ट का फंडा, सो मैं इसमें टॉप यूज़ करने वाला हूँ टॉप से 20%। एंड मैं इसका कुछ हेडिंग दे देता हूँ, H1 टैग में ले लेता हूँ मैं ट्राई टू स्क्रॉल इनसाइड दिस फ्रेम टू अंडरस्टैंड हाउ स्टिकी पोजीशन वर्क। एंड आप पेज पे देख सकते हो हमारा स्टिकी पोजीशन आ चुका है एंड जब आप इसको स्क्रॉल करोगे देन आप देख सकते हो ये अपने पोजीशन पे फिक्स्ड है, ये जाकर अपने पोजीशन पे फिक्स्ड हो जा रहा है जब आप स्क्रॉल कर रहे हो। रियली इसका यूज़ करके हम लोग अपने पेज को डायनेमिक बना सकते हैं। सो ये था हमारा CSS का पोजीशन प्रॉपर्टी। एक लास्ट रह गया फिक्स्ड पोजीशन। तो फिक्स्ड पोजीशन क्या है? तो फिक्स्ड पोजीशन अपने पेज पे कोई भी एलिमेंट को फिक्स रखने के लिए करते हैं। इसका भी एग्जांपल देख ही लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। सपोज मैं इसी पेज में एक डिव लेता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ फिक्स्ड एंड इसमें कंटेंट डाल देता हूँ दिस इज एंड इसको फिक्स्ड पोजिशन से स्टाइल कर देते हैं ताकि ये अपने पोजिशन पर फिक्स्ड रहे। एंड मैं टॉप में यूज़ कर लेता हूँ 0, टॉप से नहीं बॉटम से ले लेते हैं 0। सो आपको नीचे एक दिख रहा होगा बॉक्स जिसमें लिखा हुआ है दिस इज फिक्स्ड पोजीशन, ये पोजीशन पे फिक्स्ड है। आप स्क्रॉल करो, हिलाओ डुलाओ, कुछ भी करो, ये अपने पोजीशन पे फिक्स्ड ही रहेगा, अच्छे से दिख नहीं रहा। इसके लिए मैं बैकग्राउंड कलर यूज कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हो ये हाईलाइट हो रहा है एंड आप स्क्रॉल को कितना भी अप एंड डाउन करो, पेज को कहीं भी ले जाओ, बट ये पोजीशन फिक्स्ड रहेगा, ये हिलडुल नहीं होगा। सो ये था हमारा CSS का पोजीशन प्रॉपर्टी। होप कि आपको पोजीशन प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा एंड इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लोडिंग एनिमेशन बनाने वाले हैं।
सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए वेलकम दी बैक एंड थैंक यू फ्रेंड।